हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर कोला और आप सभी का मुसाफिर फूडी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको हमारी वीडियो में दिखाने वाला हूं अकबर का मकबरा। जी हां, इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी तो आपने आगरा की यात्रा में कई बार देखे होंगे, है ना? पर फिर भी बार बार वहां जाने का आपका मन जरूर करता होगा। पर क्या आपको इन सबके पास ही स्थापित अकबर के मकबरे के बारे में पता है? नहीं पता? कोई बात नहीं, आज हम आपको अकबर के मकबरे की सैर के लिए लेके चलते हैं, जिसे खुद अकबर ने बनवाना प्रारंभ किया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में स्थित है और माना जाता है कि इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में अकबर ने स्वयं करवाया था। हालांकि इस मकबरे की संपूर्ण संरचना को अकबर के बेटे ने पूरा किया। ये मकबरा मुगलकालीन वास्तुकला का अनूठा उदाहरण है। आगरा भ्रमण पर निकले पर्यटक इस प्राचीन संरचना को देखना पसंद करते हैं। खासकर दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी आगंतुकों को काफी ज्यादा प्रभावित करती है। मकबरे का हर एक कोना देखने लायक है। यहाँ मौजूद मेहरावे और मीनारे कारीगर की दक्षता को भली भांति प्रदर्शित करती हैं। वैसे इस मकबरे से एक ऐसा रहस्य भी जुड़ा हुआ है जिसके बारे में अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है। क्या आप जानते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, भले ही यह मकबरा अकबर का है, लेकिन इस मकबरे में अकबर की अस्थियां मौजूद नहीं हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। इसके पीछे की भी एक अनकही कहानी जुड़ी हुई है। इतिहास से जुड़े पन्नों के मुताबिक ये मकबरा कभी किसी जाट शासक द्वारा लूट लिया गया था, जिसने अकबर की कब्र से उसकी अस्थियां निकालकर आगरा की गलियों में घुमाई थी, क्योंकि वो पिता का बदला लेना चाहता था। बाद में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन लॉर्ड कर्जन की देखरेख में इसकी फिर से अच्छी तरह से मरम्मत करवाई गई। दोस्तों, अकबर का मकबरा आगरा के उपनगर सिकंदरा में स्थापित है। सिकंदरा का नाम सिकंदर लोदी के नाम पर पड़ा था। इससे आप खुद ही पता लगा सकते हैं कि ये मकबरा मुगल वंश के लिए कितना महत्वपूर्ण मकबरा है। इसका निर्माण कार्य अकबर ने शुरू करवाया था, जिसे वो पूरा नहीं कर पाए थे, और इसके पूरे होने से पहले ही अकबर की मृत्यु हो गई। इसे बाद में उनके पुत्र जहांगीर ने पूरा करवाया था। यहाँ की वास्तुकला में आप इस्लामिक, हिंदू, ईसाई, बौद्धिक और जैन शैलियां एक साथ देख सकते हैं। दीवारों के एक एक कोने, एक एक खिड़कियों में बारीकी से कई शैलियां उकेरी गई हैं। ये मकबरा हिंदू, ईसाई, इस्लामिक, बौद्ध और जैन कला का सर्वोत्तम मिश्रण है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, अकबर के परपोते औरंगजेब के शासनकाल में राजा रामजाट के अधीन जाटों ने इस मकबरे पर हमला कर दिया था। मकबरे के अंदर की सारी संपत्ति, सोने चांदी से की गई नक्काशी, कीमती कालीनों को लूट लिया गया और मकबरे को ध्वस्त कर दिया गया। दोस्तों, अगर आप आगरा नहीं गए तो मैं आपको बताना चाहूंगा, गर्मियों के टाइम में आगरा बहुत ज्यादा गर्म रहता है, इसलिए अगर आप यहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं तो अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच बना सकते हैं। इस दौरान यहाँ का मौसम काफी मनमोहक रहता है और आप आराम से अकबर के मकबरे के साथ साथ शहर की अन्य संरचनाओं को भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हालांकि आगरा एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और यहाँ साल भर पर्यटकों का आगमन लगा रहता है। ये अकबर के खानदान के लोग हैं, परिवार के लोग हैं। जो बीच वाले जो टॉम जो देख रहे हैं, इसका नाम है सुलेमान सेगू। ये उसकी बैठी कब्र है। जोधा भाई की डेट हुई थी सर, इस बिल्डिंग के नीचे फोर्टी रूम खाली पड़े हुए हैं। जब फोर्टी रूम के बारे में आप लोगों को बता देंगे कि फोर्टी रूम कितनी खाली जगह है। सर, अकबर के जो कहने था, तब मैं इतना बड़ा जो कब्रिस्तान जो छोड़ के जाऊँगा, तब मेरे फैमिली के लोग, मेरे खानदान के लोग मरे उनको उधर।
तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। संग में हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।